ये कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके विरुद्ध केसेस चल गए हैं, सीबीआई इनके विरुद्ध इंक्वायरी कर रही है, पुरानी एफआईआर हैं इनके बारे में, तो ये पॉलिटिकल पैट्रनेज पाना चाह रहे हैं, जो इनको योगी सरकार भी नहीं दे रही और मोदी सरकार भी नहीं दे रही। एक धर्म ग्रंथ पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगी, तो आप मुझसे लिखवा लीजिए, सैकड़ों पेटिशन फाइल हो जाएंगी हर धर्म ग्रंथ के बारे में। लेकिन वो चीज जो दुनिया से बाहर है, मुसलमानों के यकीन के हिसाब से ये अल्लाह का कलाम है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी डायरेक्टिव दे सकती है अल्लाह ताला को कि तुम इसमें से ये वर्स निकाल लो? भाई अगर उसका कलाम है तो डिलीट वही करेगा। अगर कोई आदमी जो है वो जहालत पे उतर आए और सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे चले, तो वो कभी भी अच्छी पेटिशन ड्राफ्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। Yes. अगर आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस में जिसमें इन्होंने अपना एनेक्सचर लगाए हैं, उसमें भी कभी कहीं से कोई वर्स उठा ली है, कभी कहीं से कोई उठा ली है, कोई रेलिवेंट है, कोई इररेलीवेंट है, किसी का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे भी लगा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। जो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का जिस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसमें कहा गया है कि कुरान की आयतों से, कुरान पढ़ने से आतंकवाद फैल रहा है और उन आयतों को हटाया जाना चाहिए, उसको लेकर अब देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अभी अभी जो खबर मिली है, बरेली में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है और तमाम जो संगठन है, इवन बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर सनवार हुसैन, जो बिहार में इस समय मंत्री भी है, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम वसीम रिजवी की इस पिटीशन से बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखते हैं और उनकी जितनी विरोध होना चाहिए, उनका खिलाफत होनी चाहिए, वो पूरे स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बातें उन्होंने अपनी पिटीशन में कही है वो उनका कहीं कोई आधार नहीं है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो एक शिक्षाविद भी हैं, लॉयर भी हैं, एक कानून के बड़े ज्ञाता भी हैं और लीगल अवेयरनेस नाम का यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो देश भर में लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने कानूनी ज्ञान को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइस चांसलर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के वाइस चांसलर साहब जुड़ गए हैं, फैजान मुस्तफा साहब। फैजान साहब, लीगल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम रिजवी साहब की इस पिटीशन को मैं सर तीन एंगल से देख रहा हूं। पहला एंगल, उनकी खुद की अपनी एक राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो है। नंबर दो, इस पिटीशन का कानूनी महत्व, और नंबर जो तीन है उसका धार्मिक पहलू। तो मैं सबसे पहले सर आपसे शुरू करूंगा कि चूंकि आप एक कानून के बड़े जानकार हैं, इस पिटीशन के कानूनी कितनी आप वैधता देख रहे हैं? क्या जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी लताड़ लगाने जा रहा है, लेकिन आप और ज्यादा बेहतर क्लियर कर दें जिससे दर्शकों को ये समझ में आए कि आखिर क्या ये कहना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जेन्युइनली पब्लिक के मैटर्स आने चाहिए। जो अनुच्छेद 32 की पावर्स हैं, जिसमें आप नीचे की अदालतों को छोड़ के सर्वोच्च न्यायालय में आ रहे हैं, तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सब लोग पहले हाई कोर्ट जाएं 226 में, और 32 में कम लोग आए। अब कोई बहुत ही बड़ा पब्लिक का अगर मुद्दा है, उसे लेके आप आ रहे हैं, तो कोर्ट दो तीन चीजें देखना चाहती है। एक तो ये देखना चाहती कि आप कोई पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट से आ रहे हैं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट से आ रहे हैं। Yes. तो इस केस में जिस तरह के विवादित पेटिशनर हैं ये, उसमें बहुत लोगों का ये ख्याल है कि ये कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके विरुद्ध केसेस चल गए हैं, सीबीआई इनके विरुद्ध इंक्वायरी कर रही है, पुरानी एफआईआर हैं इनके बारे में,
तो ये पॉलिटिकल पैट्रनेज पाना चाह रहे हैं, जो इनको योगी सरकार भी नहीं दे रही और मोदी सरकार भी नहीं दे रही। जाहिर है कि सीबीआई ने अगर किसी केस में प्रोसीड किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हरी झंडी के बाद ही किया है। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अपने को बचाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही एक घटिया किस्म की चीज है कि आप अपने को बचाने के लिए इस तरीके की पेटिशन फाइल करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पेटिशन पे काफी नाराजगी पहले दिखाती रही है और अब भी सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी भाई हम कर क्या सकते हैं। भाई कोई दुनियावी कानून भारत के संसद ने बनाया हो, कोई किसी सरकार का कोई डिसीजन हो, तो वो आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें और अनुच्छेद 13 में ये कहें कि ये कानून है, ये ऑर्डर है, ये जो भी है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो उसको निरस्त कर देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो चीज जो दुनिया से बाहर है, मुसलमानों के यकीन के हिसाब से ये अल्लाह का कलाम है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी डायरेक्टिव दे सकती है अल्लाह ताला को कि तुम इसमें से ये वर्स निकालो। भाई अगर उसका कलाम है तो डिलीट वही करेगा। यस, वो डिलीट कैसे कराएंगी, वो किसी को भी पावर नहीं है। और ये देखिए कोई एक कुरान की बात नहीं है, कल पेटिशन चली जाए गीता में वॉयलेंस है, बाइबल में वॉयलेंस है, ओल्ड टेस्टामेंट में वॉयलेंस है, तो किसी भी धार्मिक बुक से कोई भी अदालत कोई चीज डिलीट नहीं करती। अच्छा अब ये मुद्दा है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लिया जाए कि क्या कोई ये कह सकता है कि साहब मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि आतंकवाद करो, तो मेरे तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है कि मैं लोगों को बेगुनाहों को मारूंगा। वो अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउ होगा? क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का हमारा मामला है। यस, वो तो हमारे क्रिमिनल लॉ का मामला है, हमने तो उस पर कानून बना दिया। उसमें तो इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, यूपा, पोटा, टाडा, एनआईए सभी लॉज हैं उस पर लगेंगे। बिल्कुल। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म मुझसे कह रहा है कि मैं लोगों को मारूं, इसलिए मैं मारने का मेरा अधिकार धर्म का अधिकार है, वो नहीं चलेगा। तो हमारे लॉ ने जिस प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहे हैं, अगर वो है, वैसे तो अगर आप उन वर्सेस के एनालिसिस करें जो मैं लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज चैनल जो आपने बताया जिसमें मैंने एक डिटेल वीडियो इन पे बना दिया, लेकिन मेरे बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि साहब उन वर्सेस के बारे में आप समझा दें, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो उन वर्सेस से जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष नहीं निकलता उनसे, लेकिन एक कहते हैं लॉ में एज्यूमिंग दो नॉट एक्सेप्टिंग, तो ये एज्यूम ही कर लिया जाए जो ये कह रहे हैं वो सही है। फैजान साहब मैं उस पे कानून भारत के हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ इसमें और ले जाऊं। आज जो वसीम रिजवी साहब की जो जिसने भी पिटीशन ड्राफ्ट करी है, आपको अगर कानून का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी अगर सामान्य अंग्रेजी भाषा जानना वाला भी उस पिटीशन को अगर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि केवल हवा की बातें हैं। आप कह रहे हो कि उस कुरान के आयतों से पढ़ने से आतंकवाद बढ़ता है, इसका मैंने रिसर्च किया है, मैंने तमाम लोगों से बात की है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों से बात की है जो कुरान को समझते हैं, जिनके ना उनके बारे में कोई जिक्र है, ना कोई थीसिस है, ना आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड दिया है, ना उनके बारे में कोई जिक्र किया। तो ये तो बड़ी अजीब सी याचिका लगाई गई है। मुझे लगता है कि शायद उसको और बेहतर तरीके से अगर पेश करते कोई बात निकलती तब भी समझ में आ रही। दरअसल ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी जो है वो जहालत पे उतर आए और सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे चले, तो वो कभी भी अच्छी पिटीशन ड्राफ्ट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। यस। अगर आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस में जिसमें इन्होंने अपना एनेक्स्चर लगाए हैं, उसमें भी कभी कहीं से कोई वर्स उठा ली है, कभी कहीं से कोई उठा ली है, कोई रेलिवेंट है, कोई इररेलीवेंट है, किसी का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे भी लगा दिया है। तो मेरी मैं नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों किया है। शायद पब्लिसिटी इनको बहुत मिल गई, तो एक हिसाब से ये कामयाबी हो गई इनकी। क्योंकि बयान
बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? नाम हो गए इनका। अच्छा रिजवी साहब, इससे पहले भी सर, इससे पहले भी रिजवी साहब जब तमाम ऐसे बयान देते थे तो उनके बयानों पर बड़ी चर्चा होती थी कि ये जो मदरसे हैं वो आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को नौ मस्जिदें दे दी देनी चाहिए, बाबरी मस्जिद कलंक है। ये सब तमाम अपने बयान वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक विचार सोच रख रहे थे। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पैदा हो रहा है कि खुद बीजेपी भी अब पल्ला झाड़ रही है साहब इनसे। देखिए ऐसा है कि बीजेपी को इसलिए पल्ला झाड़ना पड़ेगा जी कि अगर एक धर्म ग्रंथ पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगी जी, तो आप मुझसे लिखवा लीजिए सैकड़ों पेटिशन फाइल हो जाएंगी हर धर्म ग्रंथ के बारे में। जी जी जी, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो हैं वो आज नहीं बने हैं, वो अपने जमाने की कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं जी। तो जैसे जैसे आप पुराने धर्म ग्रंथों में चले जाएंगे, कुरान से पहले के, तो उनके मामलात और सख्त मिल जाएंगे इस तरह के। भी उस जमाने में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं था, उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस जमाने में ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं था जी। तो ये धर्म की आस्थाओं का मामला है, लेकिन उनको कानून आपका नहीं लागू होने देता। आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरेलिटी, लोगों के और मौलिक अधिकार, ये सारे जो है ये सुपीरियर रहेंगे, धर्म नीचे रहेगा। तो अगर कोई धर्म ये कह रहा है वॉयलेंस करो तो देश का संविधान उसे ऑलरेडी प्रोहिबिट कर रहा है, ये गए क्यों है, मान क्या रहेंगे? कोई ये नहीं कह सकता मैं कुरान को फॉलो करके आतंकवाद कर सकता हूं, क्योंकि आतंकवाद तो देश के कानून के हिसाब से एक बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट। यस यस फैजान साहब, अब मुझे ये बताइए कि बाय द वे सुप्रीम कोर्ट इस पे, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हैवी जुर्माना इन पर वसीम साहब पे लगाने वाला है, लेकिन सवाल अब ये है कि ये कितनी देर पटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक सकेगी? कह नहीं सकते। अगर देखिए सरकार भी जाती है और सरकार जाके कहती है इसे डिसमिस करो, तो ये डिसमिस तो दो मिनट में हो जाएगी। मेरा ख्याल ये कि जजेस इस पिटीशन को पढ़ के बहुत डिसअपॉइंट हों, इसलिए क्योंकि उनका जो प्रेशस जुडिशियल टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इस व्यक्ति को इसकी वजह से कितना ज्यादा पूरे देश में चर्चा हो रही है, अखबारों में आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स पर डिस्कशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कशन है, तो वो यही चाहता था, ये उसे मिल गया। निश्चित रूप से। मुझे ये बताइए अब फैजान साहब, एक लास्ट उस तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि उनका सर काट दिया जाए तो कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 11 करोड़ दे रहा है, ये किस तरह का आप समझते हैं कि ये इस तरह बिहेवियर इसको रुकना चाहिए? देखिए ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश का कानून इस तरह की अनुमति नहीं देता। किसी भी आम आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के फतवे की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है जी। ये फतवा जो है बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये जो भी दे रहा है या इनाम घोषित कर रहा है उसके खिलाफ केस हो सकता है। तो ये बिल्कुल इससे बचना चाहिए, देश के कानून पर, देश की अदालत पर विश्वास रखना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि शाहनवाज भाई का बयान आ गया है तो जरूर भारत सरकार स्वयं इसमें प्रोएक्टिवली अटॉर्नी जनरल को या सॉलिसिटर जनरल को अपीयर कराएगी और वो इसका विरोध करेगी। और जब भारत सरकार इसका विरोध करेगी तो ये पेटिशन जो है ये पहले ही दिन डिसमिस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से जो आप वसीम रिजवी साहब पे जिस पर चर्चा हो रही है, जिस शिया वक्फ बोर्ड के वो खुद चेयरमैन रहे, शिया निकल के उनका विरोध कर रहे हैं, तमाम धर्म गुरुओं ने कहा है कि बिल्कुल ये बकवास बात है और कम से कम उन्हें ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। शहनवाज हुसैन साहब ने तो यहां तक कह दिया जितनी निंदा हो सके होनी चाहिए और इस तरह की बातों पर कहीं कोई समाज में उसका स्थान नहीं हो सकता है। तो फैजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।